हाय दोस्तों, मुसु सक्सेना। आज हम जा रहे हैं एमएस गरीब एमएस गेमिंग के घर पे। उनका गांव जो मसना खास में है, काफ़ी पॉपुलर है भाई भाई वो। और हम काफ़ी दिन से प्रयास कर रहे हैं उनके घर पे जाने के लिए, जा नहीं रह पे हैं। और देखिए हमारा ये घर है और हमारे घर पे फूल पत्ती लगे, बहुत अच्छा लग रहा है। तो वो चीज़ उनके घर पर चल के हम देखेंगे कैसे क्या है। वो काफ़ी वीडियो में बताते रहते हैं क्या है, कैसे उनके घर का माहौल। तो वीडियो हमारे बने रहिए, हम आपको रास्ते में उनके गांव से रिलेटेड जानकारी देंगे आपको, उनका घर भी दिखाएंगे, उनसे हम बात भी करेंगे। तो वीडियो में बने रहिए भैया। तो देखिए हम उनके गांव के करीब में आ गए हैं। ये उनका गांव का सिवान है, हमारे गांव से 3-4 किलोमीटर पड़ता है। हमारा गांव छितौनी है, उनका गांव मसना है। तो देखिए हम आपको हम दिखा दे रहे हैं यहाँ पे, और वहाँ थोड़ा पीछे पानी का टेबल लगा हुआ है। आप रुधौली की तरफ से आएंगे तो हमारा गाँव पहले पड़ेगा, उसके बाद उनका गाँव पड़ेगा। तो हम आगे रास्ते में उनका गाँव हम दिखा देते हैं आपको। दोस्तों ये देखिए जो दूर से दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला गांव, ये गांव उन्हीं का है। देखिए गांव का उन्हीं का है, बहुत बड़ी आबादी है उनके गांव की। तो ये यहाँ से पूरा सिवान जो भी दिख रहा है उन्हीं का गांव का है, मुकेश सहनी का। ये पूरा जो दिख रहा है आप लोगों को, ये मुकेश सहनी का ही गाँव का है पूरा सीन, जो आपको पूरा हम दिखा दे रहे हैं। तो हम और करीब में चल के आपको विस्तार से उनके गाँव का लोकेशन और प्लस में क्या कहते हैं एरिया दिखाते हैं, उसके बाद में फिर उनके गांव पहुंच घर जाएंगे, तो वहां पे उनसे मुलाकात करेंगे, वो भी हम आपको दिखाएंगे। दोस्तों ये उनके गांव का है, इनके गांव का देखिए पूरा ये सब है गांव, और पूरा चौराहे की तरफ जा रहे हैं हम, आपको दिखाएंगे पूरा चौराहा हो रहा जो मसना खास का चौराहा है। ये तो अभी नहर पे हम हैं, नहर से जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पास में देखिए कितना लोग हैं। मसूसा सेना, मेरे यूट्यूब चैनल से स्वागत है। और गरीब एमएस ब्लॉग के भाई से मिलने आया हूँ। काफ़ी दिन से मैं ट्राई कर रहा था भाई से मिलने जाऊँगा, लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, नहीं आ पाया। तो आज मिलने आया हूँ काफ़ी दिन तो मशक्कत के बाद, तो भाई मिल गए हैं, लेकिन ये दिल्ली निकलने वाले हैं। तो थोड़ा समय देखे हमें मिल रहे हैं, बहुत बड़ी मेहरबानी उनकी हो रही है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नॉर्मली हम मिल लेते हैं, लेकिन आज आपको मैंने बताया ना दिल्ली जाने वाले हैं, बस निकलने ही वाले थे हम, मगर आप आए तो हमने सोचा चलिए मिल लेते हैं, क्योंकि आपके आज जो साथ आया ना वो बहुत ही अच्छे इंसान है, जिनके बारे में मैं जानता हूँ, जिनके चैनल का नाम है उतना याद नहीं है मेरे को, आप भूल जाते हैं, उनका नाम उनसे कनेक्ट होता ना तो अच्छा आराम से समझ जाता है, मगर उनका नाम है जितेंद्र, आपको जानते हैं। और देखिए दोस्तों ये जो भैया है ना हमारे गाँव के ही है, और इनका यूट्यूब चैनल जो आपने देखा होगा, इस चैनल पर काफी ज्यादा मेहनत करते हैं, और ऑलरेडी ये 4 महीने से लगभग मेहनत कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आज ये फर्स्ट ब्लॉग बनाया है, आप बनाने आए हमारे पास, ये वास्तव में वीडियो बनाने कई सारे वीडियो बनाए हैं, और आपने मेला वाला वाला वीडियो बनाया है ना। और ये बताइए आप इसके इसके अलावा भी कोई और चैनल था आपका क्या, फिर नहीं? हमारा चैनल एक और भी है, एजुकेशन से रिलेटेड है, जो कि जेएनपीआर कंप्यूटर एजुकेशन के नाम से, वहाँ पे एक से लेटेस्ट वीडियो मिलेगा, जैसे नई वैकेंसी आती है आपको कंप्यूटर से रिलेटेड सब कुछ वहाँ पे मिलेगा आपको देखने। आपका एक और चैनल भी है, मतलब आप इस चैनल पर जो मेहनत कर रहे हैं इसके अलावा भी आप एक और चैनल पर मेहनत कर रहे हैं जी। अच्छा तो आपने चलाते हैं। अच्छा आपको किस टाइप की वीडियो बनाने में मजा आता है, जैसे
दोनों भी बहुत बढ़िया। अच्छा दोनों बहुत दोनों में मजा आता बढ़िया यार। अच्छा अच्छा बढ़िया। तो देखिए दोस्तों ये भैया गांव के हैं, काफी ज्यादा मेहनत करते हैं और मैंने इनके चैनल पर देखा, विजिट किया और सब्सक्राइब भी कर दिया है ना। तो प्लीज भाई लोग आप लोगों से रिक्वेस्ट है, देखिए दोस्तों इनको ढेर सारा प्यार और सपोर्ट दीजिए, लाइक कर दीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब कर दीजिए। गाँव के यार देखो एक होता है ना यार की गाँव का लड़का आसपास किसी को भी नहीं देखता, खुद जाता है आगे लेकिन इधर उधर को इग्नोर करते जाता है। लेकिन मैं चाहता हूँ यार मैं ऐसा पर्सन लोगों की नजरों में ना रहूं कि खुद तो देख रहा है दूसरों की नहीं देख रहा। तो प्लीज भाई लोग आप लोगों से रिक्वेस्ट, भाई को ढेर सारा प्यार और सपोर्ट दीजिए, कोई ये ना कहे कि खुद का देख रहा है केवल। तो दोस्तों लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू। और देखिए दोस्तों अभी हम अपने घर पर आए हैं, घर के सामने ही, और यहाँ पर भैया हमारे लिए एक गिफ्ट लाए, क्योंकि दोस्तों देखिए हमारी 1 मिलियन की 2 फैमिली कंप्लीट हो चुकी है, जिसकी खुशी में दोस्तों यहाँ पर भैया हमारे लिए छोटा सा गिफ्ट लाए। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका दिल से, थैंक यू। और आप सभी का दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोगों ने इतना प्यार और सपोर्ट दिखा के दोस्तों आज हमारे 1 मिलियन की 2 फैमिली कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर दोस्तों देखो भैया हमारे लिए जो मिठाई या फिर जो गिफ्ट लाए हैं, सबसे पहले भैया का मुंह मीठा कराते हैं, क्योंकि देखिए दोस्तों ये हमारे मेहमान सामान है आपका, चलिए आपका हम आप हमारा करा दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब दोस्तों हम भैया को खिलाना चाहते हैं अपने हाथों से ही। देखिए दोस्तों भैया हमारे लिए मेहमान सामान है, तो भैया को खिलाना तो बनता है ना दोस्तों। खा लीजिए, खा लीजिए। थैंक यू भाई, थैंक यू, थैंक यू भाइयों। मुकेश भाई का देखिए स्टूडियो है, और मुकेश भाई यहाँ पे हैं जो दिल्ली के जाने वाले हैं, और यहाँ पे स्टूडियो हम आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे मुकेश भाई का स्टूडियो जो है, यहीं पे सारा बैठ कर वीडियो शूट करते हैं मुकेश भाई। तो मैंने कोशिश की आप लोगों को वीडियो में मुकेश भाई का स्टूडियो दिखाने के लिए, जो कि यहीं से आप भाई ने 1 मिलियन क्रॉस किया है, और कहीं से नहीं, यहीं से बैठ कर और यहीं पे वीडियो बना बना के भाई ने 1 मिलियन क्रॉस किया है, जो कि ये चीज़ यहाँ से आपको। ये मुकेश भाई हैं, देखिए मुकेश भाई यहाँ पे हैं, मुकेश भाई तो यहीं से स्टूडियो से उन्होंने 1 मिलियन क्रॉस किया है, उसी की बधाई हम लोगों ने देने आए थे, जो कि हमारे से गांव के ही हैं भाई। ऐसे दोस्तों यही वन प्लस है जो मुकेश भाई का है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे मुकेश भाई है, यही सेट है उनका जिससे वो वीडियो आजकल बना रहे हैं, जो 62,000 के खरीदे हुए हैं, ठीक है। तो मुकेश भाई दिल्ली निकलने वाले, इस वीडियो को हम क्लोज कर रहे हैं, आप उन्हें निकल ही रहे हैं हम।